हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गया होंगे एक और नई वीडियो के साथ। सो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, मतलब कि दिखाऊंगा कि एक सॉन्ग, मतलब कि कोई सा भी सॉन्ग लेके आप कैसे बीट मार्क वगैरह क्रिएट करके, कैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके आप स्टेटस वीडियो अच्छा बना सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आज मैं सिंपली आपको बस कि बीट मार्क प्रोजेक्ट और सारा कुछ तो मैं मटेरियल्स दे ही दूंगा, तो आप इजिली कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा तो आज का आपको स्टेटस कैसे देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं हर एक सॉन्ग पे, बीट सीन्स पे, ठीक है। सो इस टाइप की वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अनसब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है, अगर सब्सक्राइब किया हो तो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, तो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए। और नीचे कमेंट करने का मन हो तो कर देना, मैं हर वीडियो के टॉप 3 कमेंट को टेलीग्राम चैनल पर मेंशन करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। सो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर ले। सो प्रीव्यू देखे, प्रीव्यू कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज यार, इस टाइप की वीडियो बनाने हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और आपको जो प्रोजेक्ट का जो है, जो प्रोजेक्ट के वो है लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला जो बीट मार्क वाला, दूसरा जो इफेक्ट वाला, देन पहले सॉन्ग को, मतलब कि पहले जो फाउंड था उसको इंपोर्ट करके देन आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करें, तो आपको मिसिंग फाउंड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सो सॉन्ग को इंपोर्ट कर ले, मतलब कि फाउंड को इंपोर्ट कर ले, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करें और प्रोजेक्ट में आपको सॉन्ग दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन करना, हम एडिटिंग वहीं से करते हैं, और आपको भी करना बता दो कैसे आज की वीडियो जो बनाना। तो फाइनली यहाँ से जो मैंने अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया, और अलाइट मोशन ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो अब आपको क्या करना, अब आपको जो प्लस के राइट साइड में प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाओगे तो इस टाइप से आपको बीट मार्क दिखेगा कुछ इस टाइप से, पहला बीट मार्क। और यहाँ पे मैंने लिरिक्स जो है पहले से लिख के रखा हुआ, और यहाँ पे सॉन्ग भी इंपोर्ट है, तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और जाके जितने सारे बीट मार्क है उन सब पे आपको फोटो सबको इंपोर्ट करना, ठीक है। सो इस टाइप से फोटो सबको इंपोर्ट करें, देन प्लस जो प्ले के लेफ्ट और राइट में एरो है, सो उससे आप इजिली एक क्लिक से अगले बीट मार्क पे जा सकते हो, और पिछले वाले एरो से एक क्लिक से पिछले वाले बीट मार्क पे आ सकते हो। सो इसका यूज़ करें आगे और पीछे जाने के लिए। देन आपको ये वाला चैनल का नाम दिखेगा मेरा, इस वाले टैक्स पे, सो इस पे टैप करें, ऐड टैक्स पे जाए और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखे, और ये वाला फाउंड को इंपोर्ट करें, साइज वगैरह देख ले कुछ इस टाइप से रखना इतना। देन इस वाले ड्यूरेशन पे आए, और आपको जो प्लस पे ऑप्शन पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, यहाँ से आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगे। तो ये मैंने टेलीग्राम पे पहले से सेंड करके रखा हुआ, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कहाँ से वहाँ पे मिलेगा, आपको अपने टेलीग्राम को ऑन करना और वहाँ पे मेरे चैनल पे चले जाना, चैनल पे चले जाना, और वहाँ पे आपको मीडिया में जाना, ठीक है। मीडिया में जाओगे तो आपको इजीली ये सारे फोटोज मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके इनको इंपोर्ट करें। सो प्लस पे टैप करें, थिएटर पे टैप करके फिर सकिन, और इस टाइप से आपको जो है एयर पे टैप, इस वाले एयर पे टैप करके अगले बीट मार्क पे जाना, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कार्ड लगाना, देन फिर से प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से अगले इमेज को सिलेक्ट करें, देन थिएटर पे टैप करके फिर सकिन, देन एयर पे टैप करें, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लें। सो यहाँ से दो इमेज ऐड कर लोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरे का कैसे इंपोर्ट करना है, देन प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो। सो यहाँ से आपको इस टाइप से आपको इमेज को सिलेक्ट करना, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट किया, थिएटर पे टैप करके फिर सकिन, देन एक इमेज एक बीट मार्क को छोड़ देना, देन अगले बीट मार्क पे जाके इस टाइप से कट लगाना, ठीक है। सो आपको होप समझ आ रहा हो, पहले बीट मार्क पे पहले दो इमेज को ऐड करना, फिर तीसरे में आपको देखना है बहुत फास्ट में बीट मार्क है, तो इसके में आपको जो है फ्लैश इफेक्ट देना, तो इसको आप इजिली छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ दे, अगले बीट मार्क तक इमेज को रखे उसी वाले, ठीक है। देन फिर से प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो,
और यहां से मिस सेलेक्ट करें थ्रेड पे टैप करके फिर सेकंड देन एरर पे टैप करें इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा दें फिर से प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो और यहां से कुछ इस टाइप से मिस सेलेक्ट करें थ्रेड पे टैप करके फिर सेकंड देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लें देन फिर से प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो और यहां से मिस सेलेक्ट करें देन थ्रेड पे टैप करके फिर सेकंड देन एक बार एरर को छोड़ देना एक बार बीट मार्क को छोड़ देना देन अगले वाले बीट मार्क पे जाना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना सो इसी टाइप से आपको इमेज सब इंपोर्ट करना सो इंपोर्ट कर ले बाद में देन आपको क्या करना आपको जो है लाइक्स पे टेक्स्ट पे इफेक्ट सब पे टेक्स्ट इफेक्ट मतलब कि इफेक्ट लगाना सो उसके लिए आपको क्या करना इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना देन आपको इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना और पहला जो है आपको इस टाइप से इफेक्ट दिखने देखने को मिलेगा सो इस पे आपने टैप करना लेयर पे देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना थिएटर पे जाके आपने कॉपी कर लेना और इस टाइप से इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना देन आपको जो है चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में देन आपको लेयर दिखेगा टेक्स्ट वाला सो उस पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट और इस टाइप से आगे आए और यहाँ पे भी मिलेगा सो इस पे भी पेस्ट कर लें कुछ इस टाइप से देन आगे आए इस पे भी मिलेगा सो इस पे भी पेस्ट करें देन यहाँ से ये भी टेक्स्ट मिलेगा सो इस पे भी पेस्ट कर लें सो फाइनली हमारा जो टेक्स्ट का टेक्स्ट पे जो इफेक्ट लगा ले कुछ इस टाइप से आपको जो देखने को मिलेगा सो फाइनली यहाँ पे मैंने सभी बीट मार्क पे इमेजेस लगा दे देख सकते हो यहाँ पे मैंने सॉन्ग जो इतने सेकंड का रखा अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आगे है सॉन्ग सो इस टाइप से मैंने इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया अब आपको बताता हूँ इफेक्ट कैसे लगाना सो इस वाले प्रोजेक्ट से आपको बैक जाना पड़ेगा देन आपको इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे आपको पहला इमेज मिल जाएगा सो इमेज पे टाइप करना इफेक्ट के ऑप्शन में जाना थिएटर पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना देन इफेक्ट वाले मतलब कि बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ से आप ध्यान से देखें कि आपको इफेक्ट कैसे पेस्ट करना ठीक है यहाँ से आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले इमेज पे पेस्ट करना तो यहाँ से फर्स्ट वाले इमेज पे पेस्ट किया देन आपको यहाँ पे आपको सेकंड वाले इमेज छोड़ देना ठीक है फिर थर्ड वाले पे पेस्ट करना और यहाँ पे आपको देख सकते हो दो बीट मार्क है तो यहाँ पे पेस्ट करें देन दो बीट मार्क जिस वाले इमेज के साथ हो ना तो उस वाले इमेज के जो साथ में इमेज है राइट साइड में तो उस पे भी पेस्ट करना ठीक है सो इस पे भी पेस्ट करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दोनों इमेज पे पेस्ट करें देन ये वाला इमेज जो है बीच वाला छोड़ दें इन दोनों ये जो इमेज है सो इस पे भी करें और इसके साथ वाला इमेज पे भी करें सो इस पे भी कर दिया कुछ इस टाइप से सो कुछ इस टाइप से पेस्ट करें देन ये वाला इमेज छोड़ देना देन इस वाले इमेज पे पेस्ट करें सो इफेक्ट कैसे पेस्ट करना आपको तो दिखेगा होगा सो इमेज पे टैप करें इफेक्ट का ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट और इस टाइप से ये वाला इमेज छोड़ दें देन इस वाले पे साथ में दो इफेक्ट मतलब कि दो बीट मार्क इस पे पेस्ट करें और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आए देख सकते हो कुछ इस टाइप से सो इस वाले इमेज पे पेस्ट करें देन यहाँ से ये वाला इमेज छोड़ दे देन इस वाले इमेज पे पेस्ट करें और इसके साथ वाले इमेज पे पेस्ट करें और ये वाला इमेज छोड़ दे ठीक है जो ये इसको छोड़ देना देन इस वाले इमेज पे पेस्ट करना सो इस टाइप से आपको इमेज पे पेस्ट करना इफेक्ट सो देख सकते हो इस टाइप से पेस्ट कर लें देन आपको आपको सेकंड वाला इफेक्ट पेस्ट करना आप ठीक है तो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से वापस बैक आना देन आपको जो ये इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना देन यहाँ पे आपको सेकंड वाला इफेक्ट मिलेगा सो इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन थिएटर पे जाके कॉपी इफेक्ट कर ले देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना आपको जो है बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ से लास्ट से आए कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना लास्ट वाले इमेज पे टैप करना इफेक्ट का ऑप्शन थिएटर पे जाके पेस्ट और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आए कुछ इस टाइप से इस वाले इमेज पे पेस्ट करें तो इस वाले इमेज पे पेस्ट करें ठीक है सो पेस्ट कर लें देन ये वाला इमेज आपको देखने को मिलेगा इस पे पहले से इफेक्ट है इस पे भी है तो इस पे पेस्ट करना आपको ठीक है सो बाकी जितने सारे भी इमेज बच गया उन सब पे आपने लगाना ठीक है सो यहाँ से कुछ इस टाइप से पेस्ट करें सो पेस्ट किया कुछ इस टाइप से ठीक है सो इस वाले इमेज पे पेस्ट करें देन आपको देख लेना कौन कौन से इमेज पे आपने इफेक्ट नहीं पेस्ट किया सो इस पे भी पेस्ट करें कुछ इस टाइप से और यहाँ पे आपको जो है इस वाले इमेज पे पेस्ट करना और फाइनली आपका जो है इफेक्ट बन इफेक्ट भी लगा लिया अब आपने सो अब आपको एक और काम करना जो दो बीट मार्क है उन सब पे आपने फ्लैश इफेक्ट लगाना सो फ्लैश इफेक्ट कैसे लगाना आपको मैं बताता हूँ सो यहाँ से आपको एरो करके आगे आना मतलब कि एरो पे टैप करके आगे आना और इस वाले इमेज पे दो जो जिस वाले इमेज पे आपको जो है यहाँ पे दो बीट मार्क मिले सो इस वाले इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और यहाँ से आपको स्लाइड करके ऊपर करना एड इफेक्ट में जाना और यहाँ आपको चले जाना है यहाँ पे कलर एंड लाइट के ऑप्शन में पहला मिल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सो स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करें इसको अनेबल करें देन आपको जो है इस टाइप से थ्री डॉट मिलेगा थ्री डॉट पर जाके कॉपी कर लें और यहाँ पे प्लस पे टैप करें कि आपको जो है सेंटर में लगाना जहाँ पे बीट मार्क था और एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में और जो सेंटर वाला होगा उसको आप जो 50 से ऊपर रख लें ठीक है सो कुछ इस टाइप से 50 से ऊपर रख लिया और एक काम करें यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लोगे तो यहाँ से क्या पता शायद से ईजिली पेस्ट हो जाए सही तरीके से ठीक है क्योंकि यहाँ पे बीट मार्क है ना वो एक ही टाइमिंग पे है मतलब कि थोड़ा बहुत भी टाइमिंग का चेंज नहीं है तो यहाँ से आपको पेस्ट करके देख लेना तो यहाँ पे पेस्ट करके देख लिया और यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्सर्ट को ओपन करें और देख सकते हो ईजिली पेस्ट हो गया ठीक है सो यहाँ से इस टाइप से आपको बीट मार्क लगाना तो जहाँ पे जिस वाली इमेज पे आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे दो बीट मार्क उन सब पे आपने ये वाला पेस्ट करना सो यहाँ से मैं आपको पेस्ट करके बताता हूँ कुछ इस टाइप से पेस्ट करें सो कैसे आपको पेस्ट करना इमेज पे टाइप करना इफेक्ट के ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट कुछ इस टाइप से पेस्ट करें तो यहाँ पे फाइनल हमारा जो पेस्ट हो गया अब आपको क्या करना अब आपको एक ओवरले वीडियो को ऐड करना पड़ेगा सो उसके लिए प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो और यहाँ से व्यू वॉल पे जाए और यहाँ पे एक ओवरले वीडियो को ऐड करना सो यहाँ से मैं आपको ऐड करके बताता हूँ सो यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे था
सो कुछ ही स्टेप से ये वाला ओवरले मैंने पहले से देख के रखा हुआ, तो ये वाला ओवरले वीडियो है, तो इसको आपने इंपोर्ट करना, देन थिएटर पे टैप करके फील्स अगेन और यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिटिव ऑप्शन में जाना, लाइटन पे जाके यहाँ से स्क्रीन कर लेना और इस स्टेप से आपको स्लाइड करके आगे आना जहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वहाँ तक आपने इसको रखना है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट होता है, यहाँ तक रखें, देन इस पर टैप कर दीजिए वाले ऑप्शन पर टैप करके एक्स्ट्रा पार्ट कट कर ले। सो फाइनली हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो गया। सो यहाँ से मैं आपको एक बार प्ले करके बता रहा हूँ, कुछ स्टेप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस स्टेप से बना ले, अब आपको सोच रहे हो कि एक्सपोर्ट कैसे करना। सो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना, आपको जो है इस वाले प्रोजेक्ट से आपको जो एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग के राइट साइड में एक आइकन मिल रहा है, सो उस पर आपने टैप करना, देन यहाँ से आपने वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा और वीडियो का एक एरो आगे एरो है, सो एरो पे टैप करके और यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह जितना कम करना चाहते हो सो कर सकते हो, देन एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कैसी रही, कभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।